हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमडीजर बायोलॉजी क्लास। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लाइफ स्पैन, बर्थ टू नेचुरल डेथ। इंसान जन्म लेता है और मरता है, उस बीच के जो पीरियड को हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग बर्ड्स, व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग बर्ड्स मतलब कि ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ मतलब कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। ओके, इट्स अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ। इज दैट क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ। ऑफस्प्रिंग की जब भी हम बात करते हैं तो ऑफस्प्रिंग जब भी प्रोड्यूस होगा, जब भी ऑफस्प्रिंग बनेगा तो क्या करेगा, जब भी ऑफस्प्रिंग आएगा तो वो सबसे पहले ग्रो करेगा, उसके बाद वो मैच्योर होगा और फिर से जब वो मैच्योर हो जाएगा तो प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, वो न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएगा मतलब कि रिप्रोडक्शन करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। तो इसको क्या कहते हैं, देयर इज अ साइकिल बर्थ ग्रोथ एंड डेथ। ये जो साइकिल है वो क्या होता है, बर्थ होता है कोई भी, फिर उसका ग्रोथ होता है और उसके बाद डेथ होता है। मतलब कि जब भी वो ग्रोथ करता है तो ग्रोथ के अंदर वो मैच्योर होगा और रिप्रोडक्शन करेगा और जब उसका टाइम खत्म होगा तो वो डेथ हो जाएगा। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये तीन जगह से निकलना है, बर्थ ग्रोथ और डेथ। ओके, इज दैट क्लियर? अब रिप्रोडक्शन कंटिन्यूअसली टू स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है तो जनरेशन के आफ्टर जनरेशन चलता ही रहता है और नए स्पीशीज बनते रहते हैं। ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है। अब इसके अंदर बात करेंगे बेस्ड ऑन द वेदर पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि रिप्रोडक्शन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है या दो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बेस पे रिप्रोडक्शन को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। वन इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट नाउ दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, मतलब के ऑफस्प्रिंग अगर सिंगल पेरेंट से प्रोड्यूस होता है without involvement of gamete formation, without involvement of gamete formation, it is called asexual reproduction. It is called asexual reproduction. Asexual reproduction क्या है, मतलब के when offspring is produced by a single parent, offspring is produced by a single parent without involvement of gamete formation, without involvement of gamete formation, it is called asexual reproduction. Another one, asexual reproduction, when two parents opposite sex, take one example, male and female, मतलब के when two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes. समझ लो कि ये मेल है और ये फीमेल है और ये एक गैमेट बनाता है, मेल गैमेट,
और ये फीमेल गैमेट है और ये दोनों फ्यूजन होंगे और उसके बाद बनेगा जायगोट। उसके बाद बनेगा जायगोट मतलब कि जो मेल है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल है वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी और फ्यूजन हो जाएगा और उसके अंदर से जायगोट बनेगा। तो अगर इस तरह का रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब कि व्हेन टू पेरेंट्स ऑपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, व्हेन टू parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete it called sexual reproduction. Is that clear? So, दो तरह के reproductive हमने पढ़े हैं, one is asexual reproduction and second one is sexual reproduction. तो जो asexual reproduction था उसके अंदर gamete formation नहीं होगा और sexual के अंदर gamete formation होगा. Asexual के अंदर only offspring produced by सिंगल पेरेंट और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय टू पेरेंट्स और वो भी ऑपोजिट सेक्स। तो ये आपको डिफरेंस भी बनाना है होमवर्क के अंदर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लीज ये डिफरेंस बनाइए और देखते रहिए, इसी तरह से मैं आपको वीडियो भेजता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।